नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे दूध से मावा तो या खोआ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई जैसे ही हमारी गर्म होगी उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी में उबाल आने लगा है तो अब हम दूध ले लेंगे। ये हमारा दूध 3 लीटर है, फुल फैट है, कल की दूध है हमारी। आप ताज़ा दूध भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध के मावा से आप कई प्रकार की मिठाई भी बना सकते हैं। बर्फ़ी बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, गुजिया बना सकते हैं, जो चाहे अपने पसंद की आप मिठाई बना सकते हैं। तो ये मेरे दूध में उबाल आ गया है तो इसे लगातार चलाते रहेंगे। ये भगोने में हमारा इतना दूध बच गया है तो जैसे ही दूध उबल करके हमारा कम हो जाएगा तो हम ये दूध भी, बचा हुआ दूध भी डाल देंगे इसी में। तो हमने 3 लीटर पूरा दूध इस्तेमाल कर लिया है। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध हमारी गाढ़ी होने लगी है। अब आंच को हम एकदम धीमा कर देंगे। अब धीमे आंच पर ही इसे हम पकाएंगे और साइड से जो भी हमारा लगेगा दूध उसे इस तरीके से पौने के सहायता से निकालते जाएंगे। अब ये देखिए खोआ हमारा तैयार हो चला है करीब करीब। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे थोड़ा सा, और 10-5 मिनट और थोड़ा इसे भूनेंगे अभी हम। खोआ हमारा करीब करीब तैयार हो चुका है तो इसे लगातार चलाते रहेंगे। थोड़ा सा और सूखा कर लेंगे इसको। ये देखिए खोआ हमारा कितना वाइट बना है और अब बिल्कुल बढ़िया बना है एकदम। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी खोआ बनाइए अपने घर पे। अब इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे। हमने गैस बंद कर दिया है और इसे लगातार अभी कुछ देर चलाएंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है। तो ये देखिए हमने एक बर्तन में निकाल लिया है खोआ को। ये देखिए करीब करीब ये खोआ हमारा 1 किलो ले तैयार हुआ है। तो आप भी इसे तरीके से आसानी से घर पर खोआ बना सकते हैं।